हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली नौकरी के यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आज मैं सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड में आई हुई बम्पर वैकेंसी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो 3000+, जी हाँ 3025 वैकेंसी का अपडेट लेकर आई हूँ। बहुत बढ़िया मौका है 10वीं पास प्लस ITI और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। तो यदि आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, TSS PDCL में जो वैकेंसीज निकली हैं वो हैं जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन और जूनियर पर्सनल ऑफिसर। अब हम और आगे बढ़ते हैं और आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि किस पोस्ट के लिए तेलंगाना में कितनी वैकेंसीज निकली हैं। देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जूनियर लाइनमैन के लिए 2500 वैकेंसीज निकली हैं। बहुत बढ़िया मौका है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 500 वैकेंसीज हैं और जूनियर पर्सनल ऑफिसर के लिए 25 वैकेंसीज हैं। तो ये तो हुई वैकेंसीज की बात। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं, क्योंकि अगर कोई भी डेट मिस हो जाती है तो आप आवेदन नहीं जमा कर पाएंगे। देखिए, जो जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है उसके लिए जो फी पेमेंट की डेट है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। मतलब आप अपनी फीस 30 अक्टूबर से जमा कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन सबमिशन है वो 31 अक्टूबर से, और जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी है वो 20 नवंबर 2019 शाम 5 बजे तक है। और आप अपना आवेदन जो है ऑनलाइन 20 नवंबर 2019 तक जमा कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे जो है वो एक एग्जाम कंडक्ट होगा और उसकी जो आप हॉल टिकट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं 11 दिसंबर 2019 से, और जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 22 दिसंबर 2019 है। ये तो हुई जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की डेट्स। अब हम बात करते हैं जूनियर लाइनमैन एंड जूनियर पर्सनल ऑफिसर की। यहाँ पे जो पेमेंट ऑफ फीस की डेट स्टार्ट होगी वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, और जो डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन है वो 22 अक्टूबर 2019 है, और जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 10 नवंबर 2019 है। पर आपको अपनी फीस जो है वो 10 नवंबर को 5 बजे तक जमा करनी है। और इधर भी तेलंगाना में जो है इस जॉब के लिए भी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और जो डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट्स है वो 5 दिसंबर 2019 से शुरू होगी, और देखिए जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 15 दिसंबर 2019 है। तो दोस्तों, ये तो थी इम्पॉर्टेंट डेट्स और वैकेंसीज की बात। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब TSS PDCL ने क्या एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं इस जॉब के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एज लिमिट के बारे में। देखिए, जो जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कैंडिडेट्स 18-34 ईयर्स के बीच होने चाहिए, और जो SC ST BC इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनको जो है एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। और जो जूनियर लाइनमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो है एज लिमिट 18-35 ईयर्स रखी गई है, और जूनियर पर्सनल ऑफिसर के लिए 18-34 ईयर्स। और यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन SC ST BC इन सर्विस कैंडिडेट्स को अप्लाई की जाएगी। अब मैं बात करने जा रही हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। यदि आप इन एज लिमिट के बीच फॉल करते हैं और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए, आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री BA BSc या BCom की डिग्री होना ज़रूरी है। और जो कैंडिडेट्स जूनियर लाइनमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने SSLC SSC 10th क्लास साथ में ITI के डिप्लोमा किया हो, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या वायरमैन में, या फिर उनके पास 2 ईयर्स इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। और जो कैंडिडेट्स जूनियर पर्सनल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास BA BCom BSc की डिग्री होनी चाहिए, बट जो डिग्री है ये फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर आप लाइक करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे आपको तुरंत हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, ये तो हुई एलिजिबिलिटी की बात, इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात। अब मैं आपको बताऊंगी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आप जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन और पर्सनल ऑफिसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको 100 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जमा करनी होगी। इसके साथ साथ आपको एग्जामिनेशन फ़ी भी भरनी होगी, और जो रखी गई है 120 रुपये। और यहाँ पर जो SC ST BC कैंडिडेट्स हैं या PH कैंडिडेट्स हैं उन्हें कोई आवेदन शुल्क नहीं जमा करना है, मतलब उन्हें आवेदन शुल्क जमा करने से छूट दी गई है।
अब हम और आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कि TESS PDCL ने क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा है इन वैकेंसीज के लिए, कि मतलब कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं किन बेसिस पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। देखिए, जो जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके लिए एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और अगर हम बात करें जूनियर लाइनमैन और जूनियर पर्सोनल ऑफिसर के लिए तो उसके लिए एक रिटन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए कैसे आवेदन करना है। मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ और सिर्फ इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी TESS PDCL रिक्रूटमेंट 2019 की पूरी जानकारी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके डिटेल चेक कर सकते हो। इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन के लिए आप dailynaukri.com के वेबसाइट पे जाके भी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स लेकर आते हैं।